आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस यूट्यूबर की शादी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, गौरव तनेजा दिल्ली मेट्रो का कौन सा इशू हो गया है, न्यूज बॉय कौन से स्कैम में फंस गए हैं, सौरव जोशी ने कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साथ ही जानेंगे कि कौन से यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सबसे पहले बात उस यूट्यूबर की ही कर लेते हैं जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक यूट्यूबर है जाहिद लाइफस्टाइल करके, जो ना पैरट्स को लेकर अपना कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पर। इनके 7,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और पेटा ने इन पर एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी कि अपने सोशल मीडिया की मदद से पैरट्स को जो है वो बेचते हैं और साथ ही उनका मिसयूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए, जिसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट भी कर लिया है और ये काफी सुर्खियों में आ गए हैं। न्यूज बॉय ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्कैम के बारे में शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वाला जो अकाउंट है ये एडिटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और जॉब वैकेंसी शेयर करता है और बाद में उनसे पैसे ले लेता है कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप मेरे को पैसे दे दो। और ये स्कैम काफी दिनों से चल रहे हैं और इसके बाद उन्होंने ऑडियंस से हेल्प मांगी है कि इस अकाउंट को रिपोर्ट और ब्लॉक जरूर करें। तो आप सभी जानते हैं कि सौरव जोशी ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं यूट्यूब पर, जिसके बाद वो मोस्ट सब्सक्राइब्ड ब्लॉगर बन गए हैं इंडिया के और उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काफी समय से वो इस पोजीशन पर चल रहे थे पर अब उन्होंने अपने ही माइलस्टोन को क्रॉस कर दिया है। गौरव तनेजा का दोबारा हुआ दिल्ली मेट्रो के साथ इशू। वेल, इसे मैं इशू तो नहीं कहूंगी पर हाँ एक रिएक्शन जरूर कहूंगी। आप सभी जानते हैं गौरव तनेजा के बर्थडे पर एक दिल्ली मेट्रो के कोच को बुक किया गया था, जिसके बाद वो अरेस्ट भी हो गए थे और उनका बर्थडे उन पर काफी भारी पड़ गया था। तो दिल्ली मेट्रो ने अब एक अनाउंसमेंट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेट्रो में अब रील्स बनाना अलाउड नहीं होगा, जिस पर गौरव तनेजा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर दिल्ली मेट्रो में नहीं है तो नोएडा में अलाउ होगा क्या। और ये रिएक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आया है। मनोज जी ने अपना शादी वाला ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है, पर उसी ब्लॉग में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो शादी हुई है उनके पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ हुई है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सोसाइटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू हिम। हालांकि जो उनकी वाइफ है उसके पेरेंट ने उन्हें बिल्कुल सपोर्ट किया है, पर मनोज जी अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना इस शादी को करके आए हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों मैच्योर हैं और हम दोनों को पता है कि आगे क्या करना चाहिए। अब इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, पर हालांकि उन्होंने अपने फैंस को बोला है कि आप ऐसा कदम मत उठाइएगा और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइएगा। आप उनके इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।